हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग। ये देखिए, आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी छोटी परी से। कितनी प्यारी लग रही है परी, आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर कि मेरी परी कैसी लग रही है। तो बस हम लोग जा रहे हैं अपने देवरानी के भाई की शादी में, तो हम लोग साथ में जा रहे हैं सब लोग। ये देखो, ये छोटी वाली देवरानी है और ये हमारी बेटी है, तो हम सब लोग इकट्ठे ही जा रहे हैं गाड़ी से। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ चलिए। बस हम लोग पहुँच गए मैरिज हॉल। ये आ गया मैरिज हॉल जहाँ हमको शादी में जाना है। तो ये दिन का प्रोग्राम हो रहा है, हमारे उधर लगन टीका होता है, बस वो दिन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ किस तरीके से शादी के रीति रिवाज होते हैं। तो मैं आगे वीडियो में आपको पूरी शादी की जितनी भी क्लिप मैं ले पाई हूँ आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक आप हमारी शादी का एंजॉय कीजिए, भाई की शादी का। अब आप लोगों को आगे देखने में भी और मज़े आएंगे, रात का भी प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जब तक आप लोग देख लीजिए कि हमारे यहाँ कैसे रिंग सेरेमनी वगैरह होती है, तो देख लीजिए। ये देखिए, ये रही हमारी बड़ी वाली देवरानी, इसी की शादी है, यही है दूल्हा राजा। तो बस उसके लगन टीका की तैयारी हो रही है, तो भाभी वगैरह हम सब लोग साथ में थे। उसके बाद ये देखो, ये दोनों देवरानी खड़ी हैं, बातें कर रही हैं, और ये रही हमारी क्यूटी। अब वीडियो तो मैं ही शूट कर रही थी, तो वीडियो में मैं तो दिख रही हूँ पर कम ही दिख रही हूँ, पर शादी में बहुत मज़े आए और अच्छा भी लग रहा था। और अच्छी वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी, और शादी भी बहुत अच्छी हुई थी, अच्छा लग रहा था। तो देखो, अब मैं भी दिख रही हूँ, मैं भी बैठी हूँ, सारे बच्चे बैठे हुए हैं। और दिन का प्रोग्राम था तो इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, पर अच्छा लग रहा था। शादी में गए और फिर अपने घर की शादी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आइए आप लोग आगे की वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए, हमारे यहाँ ये लड़की को सामान दिया जाता है, वो दिख रहा था। और ये देवरानी की मम्मी है, इन्हीं के बेटे की शादी है, तो सब लोग सारे, ये इसकी दादी है और ये जिसकी शादी है वही है, ये है दूल्हा। तो बहुत अच्छा लग रहा था शादी में, खूब एंजॉय किया हमने। ये मम्मी है, भाई वगैरह हैं, ये छोटी देवरानी है, और ये मैं खुद ही वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं खुद को तो थोड़ा ही ले पा रही थी। तो देखिए हम तीनों लोग कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मैच भी कर रहे थे हम लोग थोड़ा थोड़ा, तो वो बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि ये बड़ी है ये छोटी है, पर मैं ही सबसे बड़ी हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, रात हो गई थी, खाना भी बहुत अच्छा बना था, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी। आप लोग देखिए और बताइए कि हमारे भाई की शादी आप लोगों को कैसी लगी। Thank you.
बड़ी वाली देवरानी की भाभी है। हम लोगों ने साथ में खाना खाया और सर्दी बहुत हो रही थी। देखो आप पीछे अंधेरा हो रहा है, कितना धुंधला धुंधला। तो यहाँ पे ग्वालियर और ये यूपी में बहुत सर्दी हो रही है। तो देखो हम लोग भी साथ में, वो आप लोगों को खाना खिला रही है, सारी यूट्यूब जो लोग देख रहे हैं उन सबको खाना खिला रही है। पूछ रही है कि खाना कैसा लगा, तो आप लोग बताना कि गुलाब जामुन कैसी लगी। आप देखिए रात के 12:30 बजे हो रहा है जयमाल प्रोग्राम। तो मैं पीछे बैठी हुई थी इसलिए ढंग से शूट नहीं हो पा रहा है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि वो जो LED लगी थी उसमें आप लोगों को अच्छे से दिखेगी। और हम सब लोग भी जा रहे थे फ़ोटो निकलवाने के लिए, और ये हमारी ननन है। तो बहुत दूर से वीडियो शूट हो रही थी इसलिए अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा ही होगा कि ये जयमाला प्रोग्राम हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। ये देखो हम लोग गए आशीर्वाद देने के लिए। ये है बड़ी वाली देवरानी और उसके हस्बैंड, और फिर हम दोनों ने फोटो निकलवाए। ये हमारे बड़े वाले देवर हैं, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। आप भी शादी का एंजॉय कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।